तानी के लिए इसमें लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं और दिखाते हैं आपको। तानी आपको बताएगी क्या क्या लेकर आई है। तानी इसमें बताओ, इसमें क्या क्या लेकर आई हो आप? तो हलवा और पूरी बनाने जा रही हैं और किस तरह से बनाती हैं वो आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। यह है मिट्टी का और ये चूल्हा, चूल्हे के लिए हमने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम कुछ नया अलग कुछ करने जा रहे हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा हम क्या करते हैं। दोस्तों परसों हमारे तानी गई थी हमारे साथ मार्केट में, तो उसको कुछ छोटे बर्तन पसंद आ गए थे मार्केट में, तो वो आज लेकर आई है। तो तब से तानी आई है, जब से लेकर तब से जिद कर रही कि डैडी मम्मा से कह रही है कि इसमें कुछ बनाइए छोटी छोटी चीज़ें। तो हम देखे तानी के लिए इसमें लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं और दिखाते हैं आपको। तानी आपको बताएगी क्या क्या लेकर आई है। तानी इसमें बताओ, इसमें क्या क्या लेकर आई हो आप? ये वही नीचे बैठ के दिखाओ। इसमें चाय बनती है जी। और क्या लाए हैं? प्लेट। ये हंडी। अच्छा। और ये है भगोना। वाओ। और ये ग्लास। अच्छा। ये है बाल्टी। और ये है करछी। गुड। अच्छा। और ये है चूल्हा। चूल्हा। तो आज क्या बनाने जाओगी मम्मी साथ? आज हम लोग बनाएंगे पूरी हलवा। अच्छा चलिए इनकी मम्मी से भी देखते हैं। तापसी बनाने जा रही हो तानी के साथ में? डैडी हलवा पूरी बनाना है, वो हलवा पूरी बनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बनाओ ठीक है ना। अभी बना रहे हैं। चलो ठीक है। और तानी चूल्हा ले आओ। तो दोस्तों तानी जी और क्या नाम है तापसी जी साथ में मिलके आज हलवा और पूरी बनाने जा रही हैं और किस तरह से बनाती हैं वो आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। और वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। छोटे छोटे बर्तनों में, आपको छोटा से बर्तनों में देखेंगे खाना, हलवा पूरी बनते हुए आपको पुराने अपने छोटे दिन भी याद आ जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तानी की टॉयज से आज ही पूरी और हलवा बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ गत्ता लगाया ताकि यहाँ हवा चल रही है छत पे, तो इसका टेक लगाया ताकि चूल्हा हम लोगों के जले। ये देखिए हंडी में मैंने लीप लगा लिया है मिट्टी का और ये चूल्हा, चूल्हे के लिए हमने कंडा और लकड़ी, कंडे में मिट्टी का तेल लगा के लगा दिया। हम लोग ये बनाएंगे, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे टॉयज से हम लोग बनाएंगे हलवा और पूरी। हम पहले बनाएंगे पूरी, पूरी तल के रख देंगे। पूरी के लिए हम लोगों ने लिया है रिफाइंड तेल, ये मैं आटा गूंथा हुआ। और हलवा के लिए लिया है हम लोगों ने 1 कप सूजी, काजू, बादाम, चीनी और रिफाइंड तेल और थोड़ा सा फूड कलर। अब पानी। और हम लोग अभी धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दे रहे हैं। मेरे साथ दे रहे किरत और तानी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेसिपीज बनाने के लिए। अब चूल्हा जलाने जा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हे में आग लग गई है। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। हांडी गर्म हो चुका है, अब डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स हमारे तेल गरम हो चुका है, अब हम पूरी के लिए तेल में हम पूरी बेल चुके हैं। हम आप देखिए ये पूरी एक एक करके हम उस पर तो देखिए गाइस ये बन रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं फूलते हुए। ये फूली फूली हम लोगों की पूड़ियाँ तल गई हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं फूले हुए बिल्कुल पूड़ियाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे। अब
हम लोग करेंगे बनाएंगे हलवा। उसके लिए हम ऑयल को थोड़ा कम कर लेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे हलवा। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सूजी की हलवा। मेरा चेहरा मत लेना। अब हम डालेंगे इस ऑयल में ये सूजी। हमने सूजी डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। इस पे साथ में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम लोग जब तक ब्राउन ना हो जाए। जी देखिए गाइस, हम लोग ये ब्राउन हो गया है सूजी। अब हम डाल रहे हैं इस पर पानी ऐड कर रहे हैं। जितने हमने सूजी लिया है उतने डबल हम पानी ऐड करेंगे इस पर। और साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अब हम इसको ढक देंगे। चुटकी पिंच हम लोग इसमें फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। हम थोड़ा फूड कलर इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि हमारा जो सूजी की हलवा होगी ना वो थोड़ा कलर में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, हम लोगों के कितने अच्छे हलवा बन के तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हमको भगोने में पलट लेंगे। भगोने में हम पलट लेंगे, उसके बाद हम बच्चों को पहले सर्व करेंगे, फिर हम लोग भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। मैंने हलवा को पलट लिया है, पूरी कटोरे में रख लिया है। अब हम प्लेट लगा के सारे बच्चों को ये थोड़ा थोड़ा हलवा और पूरी सर्व करेंगे, फिर बच्चे खा के बता पाएंगे कि कितनी टेस्टी बनी है क्या नहीं। क्या है भगोने में पूरी को हमने बना रख लिया कटोरे में। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। वीडियो में किस तरीके से कितनी मेहनत से इतनी छोटी छोटी बर्तनों में इतना प्यारा खाना बनाया गया है, और कसम से हमने खाया, बहुत ही हम लोग को अच्छा लगा, सबने मिलकर खाया। और आप अगर वीडियो पे देख रहे थे, अगर वीडियो आपको बचपन में याद आया होगा तो किसने बचपन में इस तरह से अपने छोटे से बर्तन में खाना बनाया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम इसी तरह से आपको नए नए कंटेंट बनाकर देते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।